जी मैम, पेपर हो गया आपका? हाँ हो गया। हाँ, कैसा हुआ? अच्छा हुआ। तो कुछ बता सकती हैं कि वहाँ पे माहौल कैसा था? मतलब कोई ऐसा डर वगैरह का माहौल तो नहीं था? नहीं, मतलब जैसे ऑफलाइन पेपर्स होते हैं वैसे ऑनलाइन में भी कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई, बल्कि इसमें टाइम बचता भी है। हाँ, जैसे उसमें बबल वगैरह करने में टाइम लग जाता है, इसमें तो क्लिक हो जाता है। हाँ, इसको क्लिक करो तुरंत तो फिर दूसरा आ जाता है, नेक्स्ट करो तो दूसरा आ जाता है। मतलब नेक्स्ट करने के बाद दूसरा आता है और हम चाहे पहले वाले जाने पे तो जा सकते हैं? हाँ जा सकते हो आप, मतलब जो आपको सब्जेक्ट चूज करना है उस पे आप क्लिक करके आप वो सब्जेक्ट कर सकते हो पहले। अच्छा, तो क्वेश्चन का लेवल वगैरह कैसा था? मतलब प्रीवियस ईयर से कुछ क्वेश्चन मैच कर रहे थे? हाँ कर रहे थे। अच्छा, तो कुछ क्वेश्चन याद होंगे आपको? हाँ थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। जैसे जैसे ये राजस्थान में मतलब कैसे घर बनाए जाते हैं, और असम में कैसे बनाए जाते हैं, और जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, मतलब आवाज से क्वेश्चन थे? हाँ। अच्छा, और मतलब और भी कुछ याद हो आपको? ईवीएस, सीडीपी या फिर और में? केंद्र शासित प्रदेश में मतलब चार ऑप्शन थे उसमें कौन सा था। अच्छा, और लैंगिक रूढ़िवादिता भी था। अच्छा, और सीडीपी वगैरह में कुछ याद है आपको? सीडीपी कोहल वर्ग थे, जिन प्याजे थे और कोहलर कोहलर से भी क्वेश्चन थे। अच्छा, तो ये तो हो गया। बाकी मैथ्स के कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस उठाए गए थे? मैथ्स की तो पैडागोजी थे। अच्छा, पैडागोजी तो थी। बाकी और एक्स्ट्रा जैसे जो न्यूमेरिकल्स टाइप होते हैं वो? एक्स्ट्रा जैसे मतलब जैसे एक एक बच्ची थी, मतलब रोनी एक बच्ची थी, तो उसके मतलब प्लेट में एक में पान जलेबी थी, एक में जो है एक थी और एक में दो थी, तो मतलब वो क्या करेगी कि जो उन बराबर सारी जलेबी हो जाए उसके प्लेट में। अच्छा, मतलब लेवल क्वेश्चन का बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था? नहीं हार्ड नहीं था, आसान थे। अच्छा, आसान थे। तो कुछ आप जैसे आपकी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, तो आप कुछ बता सकती हैं कि जो टॉपिक अगर कोई पढ़ ले तो वो आराम से निकाल सकता है? हाँ हाँ निकाल सकता है, बड़े आराम से निकाल सकता है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे। अच्छा, तो कोई ऐसा टॉपिक जो आपको याद हो कि मतलब ये चीज जरूर पढ़ना चाहिए? रूढ़िवादिता तो जरूर पढ़ना चाहिए, सेकंड में भी आया था, फर्स्ट में भी आया था। अच्छा, हाँ ओके। तो मतलब वहाँ पे जैसे पूरा का पूरा टाइम देते हैं, ऐसा नहीं कि बाद में शुरू हुआ हो, जैसे सेकंड पेपर तो खत्म हो गया, कैंसिल हो गया, तो ऐसा? हाँ। नहीं कि ये पेपर लेट में स्टार्ट हुआ था? नहीं, फर्स्ट वाला तो एकदम टाइम से हुआ था, और सेकंड वाला भी टाइम से हुआ था, पर जो है जब सब जगह कैंसिल हो गया तो वहाँ भी करवा दिए कैंसिल। अच्छा, मतलब पेपर इजी आ रहे हैं कुल मिला करके? हाँ इजी थे, फर्स्ट वाला तो काफी इजी था। अच्छा, तो आपका निकल जाएगा, आपको श्योर हो आप? अब रिजल्ट आए उसके बाद ही पता चलेगा। चलिए ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। थैंक यू आपका बात करने के लिए, कोशिश किया है आपने अच्छे तरीके से बताने की। तो जितने भी लोग इस आवाज को सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैम ने बताया है, आप भी इसको फॉलो करिएगा और आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट जरूर होगा। ठीक है, और ये मतलब जीन प्याजे से तो जरूर ही आता है। अच्छा, जीन प्याजे तो मतलब श्योर ही आना ही आना है? हाँ आना ही आना है। और ये लैंगिक रूढ़िवादिता जो है फर्स्ट में भी आया, सेकंड में मैंने सीडीपी किया था तो उसमें भी आया। अच्छा हाँ, बाकी मैथ में तो न्यूमेरिकल बहुत हार्ड तो नहीं है कि कैलकुलेटिव हो ज्यादा, क्यों बैठ के कोई लगाता ही रहे? नहीं, ऐसे जो कैलकुलेटिव थे, नहीं तो उसके बाद जो है ऐसे पैडागोजी में थे सारे। अच्छा, तो बाकी पैडागोजी भी आसान थी, इंसान पढ़ के समझ के कर सकता है? हाँ अच्छा, अगर अच्छे से पढ़ा है तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच बात करने के लिए आपको। ओके ओके।